हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे बॉन्स प्रोजेक्शन का रेटिकुल कैसे ड्रॉ किया जाता है ग्राफिकल मेथड के सहायता से। तो सबसे पहले यहां पे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ द रेटिकुल ऑफ बॉन्स प्रोजेक्शन विद द हेल्प ऑफ RF जो कि है 1:100 मिलियन एंड इंटरवल 15 डिग्री। तो बॉन्स प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक्सटेंशन। तो यहाँ पर देखिए क्या है, लेटीट्यूड और लॉन्गीट्यूड जो कि 15 डिग्री to 75 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड तक ड्रॉ करना है, और इस लॉन्गिट्यूड जो कि 15 डिग्री से 165 डिग्री इस लॉन्गिट्यूड तक ड्रॉ करता है। तो रेटिकुल ड्रॉ करने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ द रेडियस आर्क। तो इसका फॉर्मूला क्या है, रेडियस ऑफ द एक्चुअल आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द गिवन स्केल। तो एक्चुअल आर्क का वैल्यू कितना है, 635 मिलियन, और गिवन स्केल जो कि क्वेश्चन में है 1:100 मिलियन। तो दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आंसर कितना आया, 6.35 जो कि ये है सेंटीमीटर। तो रेडियस मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मैंने रेडियस को ड्रॉ किया हुआ है। तो ये कैसे ड्रॉ करते हैं अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो जो कि 6.35 सेंटीमीटर रेडियस, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 6.35 जैसे मेजरमेंट करेंगे, ये 6 और 35, ठीक है। तो ये रेडियस के सहायता से क्या करेंगे, अभी यहाँ पे क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे, ये हो गया क्वाड्रेंट 90 डिग्री तक। तो यहाँ पे देखिए डिवाइड किया हुआ है 15 डिग्री करके, तो हम लोग क्या करेंगे, जो कि इंटरवल कितना है 15 डिग्री, तो इसीलिए प्रोटेक्टर के सहायता से क्या करेंगे, 15 डिग्री करके यहाँ पे एंगल सबको डिवाइड करेंगे, 15, 30, 45, 60, 75, 90। तो यहाँ पे देखिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया है, एंगल बना दिया है। तो यहाँ पे देखिए एक स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पे खींचा हुआ है, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। तो इस स्ट्रेट लाइन को यहाँ से मैंने 45 डिग्री में टच किया है। तो क्यों टच किया है, जो कि पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड पैरेलल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड पैरेलल का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेटीट्यूड को देखेंगे हम लोग। तो लेटीट्यूड कितना है, 15 to 75 डिग्री। तो क्या करेंगे, 15 plus 75, तो कितना हो गया, 90 divided by 2, तो हो गया 45 डिग्री हम लोगों का स्टैंडर्ड पैरेलल। तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्टैंडर्ड पैरेलल। तो क्या करेंगे, अभी स्केल के सहायता से ये लाइन 45 डिग्री को टच कराते हुए यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, ये हो गया स्टैंडर्ड पैरेलल। तो ये लाइन खींचने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रेटिकुल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी रेटिकुल ड्रॉ किया हुआ है फ्रंट प्रोजेक्शन का। तो ये कैसे ड्रॉ करते हैं अभी मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो कि ये जो मैंने स्टैंडर्ड पैरेलल का पैरेलल में एक लाइन खींचे थे, इसका मेजरमेंट लेंगे यहाँ से, तो कितना हुआ, ये 7 ऑलमोस्ट 7। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे 0 को रखेंगे और 7 यहाँ पे डॉट देंगे, तो हो जाएगा ये स्टैंडर्ड पैरेलल जो कि 45 डिग्री लेटीट्यूड। तो क्या करेंगे, यहाँ से कंपास के सहायता से एक लेटीट्यूड ड्रॉ करेंगे, जो कि इस लेटीट्यूड का नाम क्या है, 45 डिग्री पैरेलल। तो अभी हम लोगों को क्या चाहिए, बाकी का पैरेलल। तो बाकी का पैरेलल के लिए क्या करेंगे, फिर से इसमें देखेंगे, तो ये जो देख रहे हैं आप 0 to 15 डिग्री, इसका मेजरमेंट लेंगे कंपास की सहायता से। तो ये देखिए ये मैंने ले लिया है, तो इसी डिस्टेंस से हम लोग क्या करेंगे, बाकी का पैरेलल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे 45 डिग्री के ऊपर कितना होगा, 60 डिग्री, तो यहाँ पे एक डॉट देंगे, फिर इसके बाद 75 डिग्री जो कि पैरेलल 75 तक है। तो फिर से यहाँ पे देखिए नीचे क्या करेंगे, 30 डिग्री, ये हो गया डॉट दिया देंगे, और ये 15 डिग्री। तो डॉट देने के बाद क्या करेंगे, फिर सेम पोजीशन या फिक्स रहेगा कंपास का, और यहाँ पे मैंने हम लोग ड्रॉ करेंगे 60 डिग्री का एक पैरेलल, फिर इसके बाद 75 डिग्री का पैरेलल, फिर क्या करेंगे इसी तरीके से 30 डिग्री का पैरेलल भी ड्रॉ करेंगे, ये हो गया, फिर इसके बाद 15 डिग्री का पैरेलल, जो कि हम लोगों को पैरेलल मिल गया। तो अभी हम लोगों को क्या चाहिए, मेरिडियन। जो ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये हो गया सेंट्रल मेरिडियन। तो इसका नंबर कितना है, 90 डिग्री यहाँ पे। तो 90 डिग्री कैसे आया, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक्सटेंशन को। तो एक्सटेंशन कितना है, कितना तक ड्रॉ करना है हम लोग को लॉन्गिट्यूड, 15 डिग्री से 165 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक। तो क्या करेंगे, ये जो 90 डिग्री है इसको मालूम कैसे चलेगा हम लोगों को, जो कि हम लोग क्या करेंगे, 50 plus 165, तो कितना होगा, 180, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये 90 डिग्री जो कि है सेंट्रल मेरिडियन, ये देखिए 90 डिग्री जो कि हो गया सेंट्रल मेरिडियन। अभी मेरिडियन ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो आप लोग देख रहे हैं,
ये फिर से एक क्वाड्रेंट बना है, तो ये क्वाड्रेंट कैसे बना है, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, 0 to 15 डिग्री का एक मैंने मेजरमेंट लिया, और इसी ये हो गया रेडियस इसके लिए, तो यहाँ पे मैंने क्वाड्रेंट एक ड्रॉ कर दिया। तो क्वाड्रेंट ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, ये जो लाइन दिख रही है आप लोग, इस लाइन से स्केल के सहायता से एक लाइन खींचेंगे, ये हो गया 15 डिग्री में, ये हो गया 30, ये 45 डिग्री, ये 60 और ये 75 डिग्री में। तो ये लाइन क्यों चाहिए हम लोगों को, मेरिडियन ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मेरिडियन ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है जो कि कार्व शेप में है, तो कैसे ड्रॉ करते हैं अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो पहले 15 डिग्री का, ये 15 डिग्री का जो कि आप लोग देख रहे हैं एंगल, और यहाँ पे 15 डिग्री का ये हो गया पैरेलल, तो इसमें हम लोग पहले डिवाइड करेंगे मेरिडियंस के लिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मेजरमेंट लेंगे 15 डिग्री, ये हो गया, ये मेजरमेंट लिया, और मेजरमेंट लेने के बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री इससे डिवाइड करते जाएंगे, फिर यहाँ से 120 के लिए, फिर 135 के लिए, 50 के लिए, 65 के लिए, ठीक इसी तरह हम लोग 75 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, जो कि एक्सटेंशन में देखिए क्या है, कितना तक बनाना है हम लोगों को, 15 to 165। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 30 डिग्री में डिवाइड करेंगे, तो 30 डिग्री में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, फिर से सेम मेथड यूज़ करेंगे, ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ से हम लोग ये मेजरमेंट लेंगे, और मेजरमेंट लेने के बाद फिर से 30 डिग्री लाइन जो कि ये है, इसमें हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे अप टू 165 तक, और इधर भी 15 डिग्री तक। फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, 45 डिग्री का मेरिडियन, 45 डिग्री में पैरेलल में मेरिडियन ड्रॉ करना है, तो इसीलिए हम लोग क्या करें, फिर से सेम 45 डिग्री में हम लोग लेंगे मेजरमेंट्स। तो फिर से यहाँ पे हम लोग डॉट देते जाएंगे अप टू 165 तक, और यहाँ 15 डिग्री तक, ठीक इसी तरह हम लोग 60 डिग्री में भी करेंगे, 75 डिग्री में भी करेंगे, और आखिर में डॉट देने के बाद क्या करेंगे, ये जो आप लोग लाइन देख रहे हैं इस लाइन को यहाँ से जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा मेरिडियन, यहाँ देखिए जोड़ दिया, यहाँ पे भी जोड़ दिया, तो दोस्तों ये बन गया पॉन्स प्रोजेक्शन का ग्रेटिकुल। तो आखिर में क्या करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, जो कि नंबरिंग ऑलरेडी किया हुआ है, 105 का मेरिडियन हो गया है, 120, 135, 150, 165 जो कि हो गया ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे देखिए 75 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, तो यहाँ पे भी नंबरिंग कर देंगे, जो कि 15 डिग्री पैरेलल हो गया, 30 डिग्री पैरेलल, 45 डिग्री जो कि स्टैंडर्ड पैरेलल, 60 डिग्री और ये हो गया 70 डिग्री, 75 डिग्री। तो इसी के साथ दोस्तों बॉन्स प्रोजेक्शन का ग्रेटिकुल कैसे ड्रॉ करते हैं मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।